ये पूरी आसाम की यहाँ पे टीम आई हुई है और बॉम्बे में इन लोग ने इवेंट रखा है, NAV इंटरटेनमेंट कंपनी का नाम है, और इसमें जो वहाँ के बच्चे हैं परफॉर्मेंस, उन लोग का परफॉर्मेंस भी है और कंपटीशन भी, और इसी बीच में यहाँ पे NAV इंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा शो हो रहा है यहाँ पे, और भी हमारे बॉलीवुड के भी एक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे, और अभी कुछ ही देर में अवार्ड्स का भी प्रोग्राम चालू हो जाएगा और आइकॉन अवार्ड भी यहाँ पे दिया जाएगा एज ए एक्टर लोग जी। एक्चुअली ये जो वेब सीरीज़ जो ये चैनल अभी जो लॉन्च हो रहा है NAV, उसमें वेब सीरीज़ होगा, जो बच्चे जो अच्छे टैलेंटेड होंगे उन्हीं को ही काम मिलेगा, और टैलेंट देख के ही हम काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमको NAV को बहुत ऊपर तक लेके जाना, जैसे अमेजोन हो गया और भी चैनल्स हैं, ये सबको हम उस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। वेब सीरीज़ फर्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग NAV जो OTT प्लेटफॉर्म में हम रियलिटी शो करने जा रहे हैं डांस का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसको, सबसे पहले वो होगा हमारा स्टार्ट एज ए डांस रियलिटी शो जी। आज मैं जितना कहूँ उतना कम है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आइकॉन स्टार अवार्ड में शामिल किया गया, और यहाँ पे जो मुझे प्यार दुलार मिल रहा है मैं सदा भारी रहूँगा, और मेरे भोजपुरी के जितने सुनने जानने वाले लोग हैं सब उन्हीं का प्यार आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत ज़्यादा मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि एक भोजपुरी गायक होते हुए भी ये जो अवार्ड है बड़ा लेवल से है, और देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग हिंदी से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो बेहद खुशी हो रहा है कि हमें भी इसमें मौका मिला और हमने भी मेहनत किया है, और मेरे चाहने वालों का देन है जो यहाँ पर मैं आज आमंत्रित हूँ जी। मेरा गाना मैं बता दूं कि याद दिला देना चाहता हूँ, बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म एक आई थी जिसमें मेरा गाना का मुखड़ा उसमें लिया गया था, और वो गाना ब्लॉक ब्लास्टर रहा, और उसी गाने से मुझे लोग जाने और पहचाने। वो गाने का बोल था, कहाँ बीतवलना तुरतिया कहाँ बीतवलना किमतिया मरलस पवन सवतिया रतिया कहाँ बीतवलना। ये गाने पे मुझे पहले भी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2018 में मिला था दिल्ली में। आज जो कंपटीशन में बच्चे भाग ले रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही शुभकामना दूंगा कि जो बच्चे जिस उम्मीद से जो लगन से मेहनत कर रहे हैं भगवान उन्हें बहुत बड़े स्टार बनाए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और आज स्टार आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स हमारे PR संजय भूषण पटियाला एंड पूरी टीम। अभी बहुत सारी फिल्में हैं सब, जैसे अभी जस्ट आई है इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह, फिर इसके बाद जस्ट आने वाला है लालू जी की लव स्टोरी, फिर जा कर के रोटी है, बहुत सारी फिल्में हैं, और अपकमिंग अभी कुछ मैं नेहा कक्कड़ के लिए भी कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, तो आगे देखते हैं सब क्या होता है। हाँ, बहुत सारे गाने उनके लिए किए हैं, और अगेन उनको हैप्पी बर्थडे, और क्या करें भाई अपने सुपरस्टार हैं है, बहुत सारा वर्क उनके साथ भी है, और कम से कम अभी हमको लग रहा है 17-18 तारीख से 6-7 पिक्चरें जा रही है ऑन फ्लोर, और सारी फिल्मों में सब म्यूज़िक और गाने सब चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे डांस कंपटीशन और म्यूजिक कंपटीशन के बारे में, क्या कहना? देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चे सब आने वाले ये सब भविष्य हैं, तो हम सब इनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ आए हैं, और इसी तरह जो इवेंट ये हो रहा है ऐसा ही होता रहे, और
और नए नए बच्चों को चांस मिलता रहे और आगे बढ़ते रहे ये लोग। आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे बच्चों? मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ तो जो अच्छा गाएगा उसको जरूर हम काम देंगे और बुला करके काम देंगे। और क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जिन बच्चों में टैलेंट होता है ना उनको मैसेज की जरूरत नहीं होती, खुद अपने आप आगे आ जाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं किस कारणवश तो सब जानते हैं, तो आप लोग भी संपर्क करिए, हम जरूर उनका साथ देंगे और आगे लेकर के आएंगे। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं और मैं थोड़ा लेट आया एक्चुअली। ये बच्चे नाच डांस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा, बच्चे डांस कर रहे थे, काफ़ी अलग अलग देशभूषा में थे, असामी बच्चे भी हैं, तो इसके लिए इनके फ्यूचर के लिए मैं दुआ करता हूँ उनकी ब्राइट फ्यूचर हो। और मैं तो बस एज ए गेस्ट मुझे बुलाया गया, मैं आया हूँ और कार्निवल अवार्ड है सो हाँ, तो फर्स्ट टाइम हो रहा है या सेकेंड टाइम, लेकिन जो अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, काफ़ी पब्लिक आई हुई है अंदर, उनके बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं और ये सब देख के रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा बहुत ही ज़बरदस्त शो चल रहा है और इसमें मैं स्पेशल गेस्ट में आया हुआ हूँ और इस अवार्ड का नाम है मुंबई कार्निवल, जो कि मैंने आसाम में शो किया है, पवन सिंह जी को लेके, खेसारी जी को लेके, अक्षरा जी को लेके, सुभी जी को लेके, लेकिन आज ये मुझे देखने को मिल रहा है कि पूरा आसाम मुंबई में छाया हुआ है। आज का जो शो है उसमें इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब 2 साल 2.5 साल के जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो निकालने का काम जो है हमारे सरफराज भाई और न्यूटन जी ने जो कदम उठाया है, जो वो लोग प्रयासरत हैं, 1 साल पहले मुलाकात मेरी हुई थी उन लोगों से, तो उन लोगों ने प्रोग्राम पहले से काफ़ी दिन का, ये जो आज हम लोग देख रहे हैं कर रहे हैं ये उनकी 1 साल की पहले से मेहनत है, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो लगातार मेरी भी 4 फिल्में रिलीज में हैं, पहली है भगवान हाजिर हो, इश्क निशाए 20,000, लव ने बना दी जोड़ी और रघुवंश अभी हाल फिलहाल में किया, अभी हम और नेता बनब का आप लोगों ने देखा होगा, अनाउंसमेंट भी हुआ है, तो लगातार भी फिल्में हैं, दर्जनों फिल्में आने वाली भी हैं।